हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपकी माली हालत कैसी होगी, व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी और आज आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और नौकरी के क्षेत्र में नया क्या करने वाले हैं, सरकार से हानि होगा या लाभ, राजनीति में आज आपकी क्या स्थिति होगी, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। बच्चों से आपके कैसे संबंध रहेंगे, पारिवारिक स्थिति कैसे रहेगी, भाई बहनों से क्या रिलेशन रहेगा, गाड़ी खरीदेंगे या नहीं, ये सब भी आज हम आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको ये मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा था, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष से संबंधित कोई भी अगर आपके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाके अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, संघर्षों से भरा होगा। आप बहुत जुझारू हैं, किसी फील्ड में अगर लग जाते हैं तो जुझारू लेवल पर बहुत ही संघर्ष करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। आप जब तक किसी चीज को नहीं करते, अगर कर लिए तो उसको पूरा सिरे चढ़ा के मानते हैं, एकदम अंत करके कार्यों की शुरुआत करेंगे तो पूरा ठीक से करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कई बार जिद जुनून आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, लेकिन कई बार एक्सट्रीम होना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें, भाषा पर नियंत्रण रखें, आप अपने व्यवहार पर भी बैलेंस रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आज आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में कोई भी कार्य करने की प्लान कर रखे हैं तो प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि कोई भी नए कार्य की अगर आप प्लान करते हैं तो थोड़ा सा सेकेंड या थर्ड एडवाइस लेके ही करना आपके लिए बेहतर होगा। माली हालत उत्तरोत्तर ठीक होगी, सरकार से लाभ मिलेगा, महिला मित्र का भी सहयोग मिलेगा, पुरुष मित्र का भी सहयोग मिलेगा, कोई आपका जो बचपन का मित्र होगा जो आज आपको काफी सहयोग करेगा उससे आपकी माली हालत अच्छी होगी, सामाजिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। बच्चों की टेरिटरी में किसी प्रकार का दखलंदाजी न करें, पत्नी से बात विवाद करने से बचें और जरूरत पड़े तो दोनों का सहयोग करें, पत्नी का भी सहयोग करें, बच्चों की भी मदद करें और उसमें अपनी जिम्मेदारी जान के करना आपके लिए बेहतर होगा। कई बार आप हाइपर हो जाते हैं जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से पर नियंत्रण करना है। प्रॉपर्टी, गाड़ी इत्यादि के लिए आज का दिन बेहतरीन है, खरीदने का योग बन रहा है। कोई भी नए कार्य की अगर आप प्लान करते हैं तो सोच समझ करके करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में आज पदोन्नत हो सकती है, स्थानांतरण हो सकता है और कुछ नए तरह के दायित्व भी मिलने की संभावना बन रही है। बच्चे अच्छा करेंगे, बच्चे की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, जो भाई बहनों के लिए करना चाहते हैं वो कर लेंगे। परिवार में आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा रहेगा और काफी ठीक करेंगे, तो आपके लिए पारिवारिक स्थिति, माली हालत अच्छी रहेगी, परिवार में धन धान की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अज्ञात व्यक्ति से कोई डील नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि श्री हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा और बंदरों को केला खिलाना न भूलें। आपके लिए शुभ अंक 8 है और शुभ रंग लाल है। हरे कृष्ण।